दोस्तों अब तक तो हम लोगों ने बड़े बड़े सितारों को आपस में भिड़ते हुए देखा है सिनेमा घर में, लेकिन भाई अब तो मुकाबला होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया 2020 जो है वो ओटीटी के नाम हो चुका है, यानी कि भैया बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है और भाई बड़े बड़े फिल्मों को लेकर आने वाली ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आपस में टकराने को भी तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भैया स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से और उसके साथ बॉलीवुड की उभरती हुई अदाकारा यानी कि जाह्नवी कपूर से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस साल बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली और इसको लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म भी घोषणा करना शुरू कर चुकी है। यानी कि भैया कुछ दिनों पहले ही डिज्नी प्लस हॉट स्टार की तरफ से यह जानकारी दी गई कि भैया ये 7 फिल्में जो कि भैया पहले सिनेमाघर में आने वाली थी, अब वो सिनेमाघर में नहीं आकर भैया हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो भैया जब डिज्नी प्लस हॉट स्टार ने इस बात की घोषणा कर दी तो भाई नेटफ्लिक्स कैसे पीछे रहती। तो भैया नेटफ्लिक्स ने भी ऐलान कर दिया है कि भाई आप ला रहे हो 7 तो हम लाएंगे 17। यानी कि भैया 17 फिल्मों में से कुछ फिल्मों की जानकारी कल ही सार्वजनिक कर दी गई कि भैया ये फिल्में आने वाली है कहां, तो भाई नेटफ्लिक्स पर। और भाई इन फिल्मों में से एक फिल्म का ट्रेलर तो आज जारी भी कर दिया गया जिसके साथ ये बात बता दी गई कि भैया ये फिल्म इसी महीने की 31 तारीख को आ जाएगी नेटफ्लिक्स पर। यानी कि मैं बात कर रहा हूं रात अकेली है कि जिसमें नजर आ रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और इसी फिल्म के रिलीज डेट के साथ यह बात तय हो गई कि भैया इस फिल्म का क्लैश होने जा रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली फिल्म यानी कि भैया लूट केस से। यानी कि भैया यह पहला मुकाबला है यानी कि भैया कुणाल खेमू वर्सेज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो दोस्तों इस पर तो हमारी निगाह टिकी रहेगी कि दोनों फिल्मों में से किसको लोगों का प्यार सबसे बेहतरीन मिला और भाई किस फिल्म की कहानी अच्छी है, इसका रिव्यू हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई हम इससे बड़े मुकाबले की बात करने वाले हैं जो कि 15 अगस्त को होना तय है, यानी कि भैया अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बम को लेकर। दोस्तों आपको तो याद होगा कि लक्ष्मी बम का जब घोषणा किया गया था कि भैया यह फिल्म 2020 के ईद पर आएगी तो उस वक्त इस बात की चर्चा हो रही थी कि भैया इस फिल्म का सीधा सीधा मुकाबला बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म से होगा। तो भैया वो मुकाबला तो टल गया, लेकिन भाई वो मुकाबला टला तो भाई ये मुकाबला अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गया। यानी कि भैया लक्ष्मी बम जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मुकाबला करेगी द कारगिल गर्ल से। यानी कि भैया जाह्नवी कपूर की आने वाली फिल्म जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है वो भी 15 अगस्त को ही रिलीज की जाएगी नेटफ्लिक्स पर, और उसी दिन को लेकर बताया जा रहा है कि लक्ष्मी बम की भी एंट्री सेम डेट पर होने वाली है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। यानी कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म वर्सेस ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी कि भैया सिनेमा हॉल नहीं सही भैया ओटीटी ही सही। यानी कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म अब अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है कि भैया देखो हमारे पास तो बड़े बड़े स्टारों की फिल्में और उसके साथ ही भाई कौन मारेगा बाजी, यानी कि यहां से यह तय होना शुरू हो जाएगा कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लोगों का प्यार सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा क्या कारगिल गर्ल मुकाबला कर पाएंगी खिलाड़ी कुमार का, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण दर्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।